आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और एक्सेल के कुछ खास फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यहां से मैं एक्सेल 2019 मैंने इंस्टॉल किया है, तो यहां पे एक्सेल को ओपन करता हूं। ये देख सकते हैं 2019 है, 19 है ना जी, हां 19 है। तो इसको मैंने इंस्टॉल किया है और इसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो यहां पर आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर और यहां पर हम करने वाले हैं वर्क, और वर्क में हम क्या सीखेंगे, तीन चार फार्मूलाज की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला कौन सा है, यहां पर देखिए। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं कोई नंबर, ये नंबर लिख दिया, यहां पे दूसरा नंबर लिखा, तीसरा नंबर लिखा, चौथा नंबर लिखा, इसी तरीके से कई सारे नंबर हमने लिख दिए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इन नंबर्स को काउंट करना, ये तो एक छोटी सी सीरीज है नंबर की, काफी सारे नंबर जब होंगे जब इनको काउंट करना होगा तो अब क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा के काउंट करेंगे। तो यहां पर आपको मिल जाता है काउंट फॉर्मूला, सम नहीं काउंट, काउंट से ये नंबर को काउंट करके बताएगा कि ये कितने नंबर हैं। देखिए यहां पर एंटर करिए और ये 6 है कुल, काउंट करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 और ये 6, यानी कुल मिला के 6 नंबर हैं और ये 6 का यहां पे 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसमें एक टेक्स्ट ऐड कर दें, यहां पे देखिए मैं अपना नाम टाइप कर दे रहा हूं, तो ये 5 बता रहा है, ये नाम को काउंट नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज ये ध्यान दीजिएगा कि एक्सेल के अंदर हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइन होता है टेक्स्ट, ये जो नेम लिखा हुआ है ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, यानी सेट ऑफ कैरेक्टर है, और ये हमेशा किधर की तरफ अलाइन होगा, ये नेम जो है इसमें कैरेक्टर्स के सेट है जैसे अल्फाबेट है, तो ये हमेशा लेफ्ट की तरफ अलाइन रहेगा। लेकिन नंबर किधर की तरफ अलाइन रहेगा, जब भी आप नंबर लिखेंगे ना तो देखेंगे लिखते समय ये राइट है लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे ना तो ये सॉरी लिखते समय ये लेफ्ट है लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे ना तो ये राइट साइड में मूव हो जाएगा। तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट रहता है और नंबर हमेशा राइट साइड रहता है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम दोनों को काउंट करना चाहते हैं, नंबर को भी टेक्स्ट को भी, तो हम यहां लगाएंगे काउंट ए, तो यहां पे लगा दिया काउंट ए, और काउंट ए लगा करके यहां से जब इन सबको लेंगे तो अब ये काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 6 आना चाहिए, तो यहां देख सकते हैं यहां पे 6 आ रहा है, यानी दोनों को काउंट करेगा, नंबर को भी और टेक्स्ट को भी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है काउंट ब्लैंक का, अब ये काउंट ब्लैंक क्या है, काउंट ब्लैंक केवल ब्लैंक कॉलम्स को ब्लैंक सेल को काउंट करता है। तो ये देखिए काउंट और फिर यहां पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो ये काउंट ब्लैंक आप ले लीजिए, ये रहा काउंट ब्लैंक, और यहां से आप ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आ जाइए तो बीच में एक ब्लैंक सेल है, तो खाली ये ब्लैंक सेल की गिनती करेगा, तो यहां पे देखिए खाली एक आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, ठीक है।